गोरखपुर गीडा थाना अंतर्गत सेक्टर 13 में स्थित बालाजी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड पार्ले फैक्ट्री में कार्य के दौरान एक मजदूर बीमार हो गया, जिसका इलाज के समय मौत हो जाने से सोमवार को मृत मजदूर के परिजनों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और पीएफ की मांग की, हंगामा भी किया और हंगामे की सूचना पर पहुंची गीड़ा पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के मौके पर बुलाया और उनको लिखित आश्वासन देने के बाद परिजन शव का देह संस्कार करने को तैयार हुए। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गिरीश चंद पांडे कितने दिनों से यहाँ काम करते थे? 7-8 साल। 7-8 साल 19 साल। आप यहाँ क्या करते हैं? हम तो यहाँ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किस कंपनी के? पार्ले कंपनी के। पार्ले कंपनी नाम है कि वही और कंपनी का कुछ नाम है? बालाजी। पापा नाम और कंपनी। मेरा नाम हरिओम पांडे है, मेरे पिताजी का नाम किशन पांडे, बालाजी बेकर्स में 20 साल से काम करते थे। जब इनकी तबीयत 2 दिन पहले खराब हुई, जैसे ये इसी में काम करते थे, वो मालिक आया जब इनकी तबीयत देखा तो उसके बाद इनको मना कर दिया फैक्ट्री में आने के लिए। फिर उसके बाद हम लेके गए फिर वहाँ पे गोरखपुर पल्स में। जैसे पहले चेकअप प्राइवेट में कराए थे, उसके बाद वहाँ एक भर्ती लिया तो वहाँ से हम लोग लेके गए पल्स में। तो पल्स में लेके गए तो उसके बाद एक दिन देखे, पूरा रात दिन भर देखे गए। तो उसके बाद ये मालिक के पास फोन किया गया। मालिक कहा कि जैसे हम रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, इसी बात नहीं है। मालिक कहा कि हमारे कंपनी में पुजारी थे ही नहीं। और फिर उसके बाद वो कहा कि हम 10,000 रुपये भिजवा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, और उसके बाद हम कहें भिजवाइए, मत, हम खुद ही आ रहे हैं, भिजवा रहे हैं 10,000 आए। फिर उसके बाद 10,000 ये दिया और फिर उसके बाद ये बोल रहा है। कप्पू चाचा बात भी किए थे उनसे, वो कह रहे हैं कि आगे चल के देखा जाएगा, फिर उसके बाद पहले उनको ठीक करो। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी विद्यालयों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शौचालय पंचायत भवन को लेकर जायजा लिया। बस्ती के आज जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण किया गया। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर दक्षिणांचल की स्थित धुरिया पार कुआनो नदी में सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे एक अज्ञात लड़की की लाश उतरती दिखी। इसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर उरवा पुलिस पहुंची, नदी के लड़की के शव को बाहर निकाला नदी से, और लड़की शर्ट पहन रखी थी। उसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल बताई जा रही है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगामी दशहरे पर आम जनमानस को सुरक्षित फलहारी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने और जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के आदेश पर अभिहित अधिकारी गोरखपुर श्री कुमार गंजर के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल सिंह के पर्यवेक्षण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद राय प्रतिमा त्रिपाठी की टीम ने तहसील सहजनवा में छापा मारकर कार्रवाई की। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप सभी को बता दें, प्रदेश में हो रहे अत्याचार कानून व्यवस्था को लेकर आज बस्ती में सपा जिलाध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव द्वारा बस्ती में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों ने स्थानाशाही सरकार के तमाम गलत नीतियों के खिलाफ जिलाधिकारी जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर श्री चंद्र भूषण मिश्र व बनगटी जिला पंचायत मौजूद रहे। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, बस्ती, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में घट रही आपराधिक घटनाओं को लेकर खलीलाबाद में सिपाहियों ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश इकाई के नेतृत्व में प्रदेश हो रहे बलात्कार, हत्या और लूट की घटनाओं से आहत होकर सरकार विरोधी नारे लगाए। माननीय राज्यपाल के नाम डीएम दिव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा। सिपाहियों ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मांग की है, बीजेपी की सरकार हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाओं में रोकने में असमर्थ है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए कृष्ण पांडे की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में सेंट्रल जीएसटी का छापानामी कबाड़ी सत्य प्रकाश और सिपाही के 2 गोदामों पर छापा मारा। बता दें कि खलीलाबाद संत कबीर नगर में प्रमुख कबाड़ी सत्य प्रकाश और सिपाही के 2 गोदामों पर सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापा मारा। जीएसटी के अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है। जीएसटी की टीम 3 घंटे से दस्तावेज खंगालने में जुटी। छापेमारी की कार्रवाई में संत कबीर नगर के कबाड़ियों, गोदाम संचालकों में हड़कंप मच गया। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए कृष्णानंद पांडे की रिपोर्ट।
हीरा लाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला गया विद्यालय। बता दें कि केंद्र सरकार के विद्यालय खोलने की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने आज 19 तारीख को कोविड-19 के कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की। इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए संत कबीरनगर के जाने माने स्कूल हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज ने 2 पालियों में विद्यालय खोलने का फैसला किया। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए किशनंद पांडे की रिपोर्ट।